हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने टेक्नो कैमन 30 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में, अगर आपके मोबाइल फ़ोन का गूगल असिस्टेंट काम नहीं कर रहा है, गूगल असिस्टेंट में प्रॉब्लम आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए यहां पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट आपको चालू करना है, ठीक है। इसके बाद आपके फ़ोन में गूगल का ऐप होता है ये वाला, इस गूगल के ऐप को ना ओपन करना है, ठीक है। अब देखिए, इस ऐप के अंदर आपको सबसे ऊपर एक प्रोफाइल पिक्चर होती है, प्रोफाइल पिक्चर पर टैप करना है। आपका एक पेज आता है, इसमें आपको नीचे सेटिंग पे टैप करना है, ठीक है। आपका ये पेज आएगा, इस पेज में आपको गूगल असिस्टेंट का ये ऑप्शन आपको टैप करना है, ठीक है। गूगल असिस्टेंट, अब देखिए आपका ये पेज आता है, इस पेज में आपको ये हे गूगल एंड वॉइस मैच का ये ऑप्शन आपको पहले वाला टैप करना है, ठीक है। अब आपका यहाँ पर एक पेज आएगा ये वाला, इसमें आपको ना पहले तो देखिए दिस डिवाइस पे पहले टैप करेंगे ना यहाँ पे, तो इसके नीचे वाला इतना पेज आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये हे गूगल के सामने वाला ये जो बटन है, इस बटन को टैप करके ऑन करना है। तो इस बटन को आप टैप करेंगे ना तो आपका एक पेज आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए, इस वाले पेज में आपको नीचे ना मोर का ये ऑप्शन आपको टैप करना है। अब यहाँ पर आपको एग्री का ये ऑप्शन आपको टैप करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इस पेज में दोबारा से मोर का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पर आपको दोबारा से एग्री का ये ऑप्शन टैप करना है, ठीक है। आपका यहाँ पे एक पेज आएगा, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पर आपका हे गूगल इस रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर आपका जो है ना ये नेक्स्ट का बटन है, नेक्स्ट पे टैप करना है। अब यहाँ पर आपको जो है ना एक पेज आएगा एक और, ठीक है। अब देखिए, इस पेज में आपको फिलहाल के लिए नॉट नाउ का ये ऑप्शन टैप करना है, ठीक है। तो आपका वापस से देखिए वही पेज आता है ये वाला, इसमें देखिए आपका हे गूगल के सामने वाला बटन ये ऑन हो जाता है। तो इतना प्रोसेस आप करेंगे ना तब जाके आपका ये बटन ऑन होगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, अगला काम आपको करना क्या है, आपको बैक पेज पे जाना है। अब इसके भी बैक पेज पे जाना है। तो आपने जो स्टार्टिंग में गूगल असिस्टेंट सेलेक्ट किया था ना, इसी के ठीक नीचे आपको ये ऑप्शन मिलता है वॉइस का, वॉइस पे टैप करना है। अब यहाँ पर आपको ये ऑप्शन टैप करना है स्पीच आउटपुट का, स्पीच आउटपुट पे टैप करेंगे तो आपका पेज आता है। इसमें देखिए, अगर आपका नोन के आगे टिक मार्क लगा हुआ है ना इस तरीके से, तो आपको इसे चेंज करके फुल पे टिक मार्क लगाना है, ठीक है। इस तरीके से फुल पे टिक मार्क लगा लेना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको ये जो दो प्रोसेस आपको बताएं, दोनों प्रोसेस आपको कंप्लीट करने हैं, इससे आपके गूगल असिस्टेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।